फ्रेंड दोस्तों नमस्कार, आप सभी लोगों का मेरे अपने चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आपको तो मालूम होगा कि आज लोग बोल रहे थे कि 2012 साल सबके लिए घातक होगा, सब लोग मर जाएंगे, डूब जाएंगे। भाई कहाँ पे डूब जाएंगे, कहाँ पर मर जाएंगे? पर दोस्तों ये सच में था, क्योंकि वो 2012 साल मोबाइल टेक्नोलॉजी के लिए एक इन्वेंशन साबित था, एक इवोल्यूशन साबित हुआ। जी हाँ दोस्तों, उसी साल 2012 में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या हुआ, अपने भारत में क्या हो गया, पहला कदम पड़ गया। जी हाँ दोस्तों, आज देखते देखते 2012 से 2020 मतलब टोटल 8 सालों में मोबाइल, बहुत सारे कंपनियां मोबाइल लॉन्च किए हैं। ऐसे कंपनियों ने मोबाइल सेक्टर में बहुत सारी तरक्की हासिल की। जी हाँ दोस्तों, कोई कंपनियां बंद पड़ चुकी, कोई कंपनियां आगे निकल चुकी हैं। जी दोस्तों, आज मोबाइल ब्रांड्स, ठीक है ना, एक ऐसा नाम कमा चुकी है, एक ऐसा लोगों को उनके हिसाब से अच्छे अच्छे फोन्स अवेलेबल कर चुके हैं, ठीक है ना। आज देखा जाए तो दोस्तों हमारा टॉपिक यही है कि हम मोबाइल ब्रांड्स के ऊपर कितना पैसा खर्च कर रहे हैं और आगे वाली कंपनी हमारे मोबाइल ब्रांड्स के लिए क्या कर रही है, ठीक है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आज एंड्रॉयड फोन्स की अगर बात की जाए तो हमारे यहाँ ज़्यादातर देखा जाए तो टोटली चाइनीज बेस्ड स्मार्टफोन कंपनियाँ राज कर रही हैं, वो भी हमारे भारत देश में, ठीक है ना। अब हालांकि देखा जाए तो ये देखना क्यों जरूरी है, क्योंकि हमारी इंडियन कंपनी वहां पे मतलब चाइनीज कंपनियों के आसपास भी नजर नहीं है, आसपास भी भटक नहीं है, भटक भी नहीं रही है देखा जाए तो। मतलब वो क्योंकि ऐसे बहुत सारे इंडियन कंपनियां हैं जो आज कम से कम गायब हो चुकी है। ये क्यों हो रहा है दोस्तों, ये क्यों हो रहा है, मैं सच में बताऊं कि आज हम चाइनीज ब्रांड को जो एक बढ़ोतरी दे रहे उनको फॉलो कर रहे, ये क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उस चाइनीज कंपनी को पता है कि यहाँ के भारतीय लोगों को वो जो फोन परचेस करेंगे, चाहे किसी भी ब्रांड का कोई फोन परचेस करेंगे, उनको उनकी क्या नीड है, लोगों की क्या नीड है, लोगों को क्या चाहिए, ये सब उन लोगों को मालूम होता है, ये सब उन लोगों को पता चलता है। इसके अलावा अगर हम इंडियन ब्रांड्स की अगर बात करते हैं, इंडियन फोन, ठीक है ना, माइक्रोमैक्स, लावा, कार्बन, आईबॉल, इंटेक्स, ये उनके आसपास भी भटकते नहीं है। ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो चुका है अभी, ठीक है ना। मतलब बहुत सारे लोग पहले माइक्रोमैक्स को फोन यूज कर रहे थे, अभी आपको वो नहीं दिखेंगे, अभी आपको ये दिखेगा ओप्पो हो गया, वीवो हो गया, ठीक है ना, रियलमी हो गया, शाओमी हो गया, एमआई हो गया, वो और सबसे बड़ा ब्रांड आज की डेट में जाएगा फ्लैगशिप लेवल पे वन प्लस, वो उसकी तारीफ क्या करना, वो चाइनीज ब्रांड होकर भी कम से कम बहुत कम समय में इतना पॉपुलर हो गया और लोगों के दिलों पर राज कर चुका है। जी हाँ दोस्तों, अभी ये चाइनीज ब्रांड के बारे में अगर हम बात करते हैं, खास करके बहुत सारे लोग खाली ब्रांड के ऊपर पैसा खर्च कर रहे हैं, ब्रांड को क्या कर रहे हैं, प्रेफर कर रहे हैं, और हालांकि है भी, अब वन प्लस के अगर ब्रांड के बारे में बताएं तो वो उस लेवल पे, उस फीचर लेवल पर क्या कर रहे हैं, अपने फोन लोगों तक पहुंचा रहे हो, और सच में है ये। पर अगर बाकी फोन की अगर बात कर रहे हो, ओप्पो हो गए, वीवो हो गए, रियलमी हो गए, ठीक है ना, पर यहाँ पे मैं एक बात बताने जाऊंगा दोस्तों, ठीक है ना, ये ओप्पो, वीवो, रियलमी, मेजो और वन प्लस, ये एक ही कंपनी दोस्तों, ठीक है ना, ये अलग अलग ब्रांड है पर उनकी कंपनी एक पैरेंटल कंपनी बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है ना, ये एक ही कंपनी है पर उनके जो ट्रैक है वो अलग अलग है। एक अगर मैं ओप्पो की अगर बात करता हूं तो पहले ओप्पो ऐसा एक फोन होता था जहां पर हर लेवल पर, हर प्राइस लेवल पर देखा जाए तो उनके फोन क्या हो रहे थे, सेल, आज भी होते हैं, सेल हो रहे थे, आज भी सेल होते हैं, वीवो भी हो गया, पर मुझे कहीं पे ऐसा लगता है कि इनके फोन में वो जो बात है ना, पहले जैसी बात नहीं रही है अभी 800 में। ओप्पो क्या कर रहा है, खाली कैमरे के ऊपर क्या कर रहा है, फोकस कर रहा है। अरे भाई हार्डवेयर का क्या, हार्डवेयर में उसका देखा जाए तो प्रोसेसर बहुत कम और बहुत अलग टाइप का होता है, उसमें बैलेंस लेवल का होता है, मतलब ऐसा हाई स्पीड वाला नहीं होता है। वीवो की भी अगर बात की तो वीवो तो खाली फोन, कैमरा फोन है, सिर्फ कैमरा फोन, ठीक है ना, उसमें ऐसे कोई फीचर ज्यादा देते नहीं है, उसके खाली कैमरा लेंस, ठीक है ना। अब ये बात देखो, अब रियलमी की अगर ये बात देखो तो रियलमी ठीक ठाक फोन है, ठीक है ना, मैंने तो अभी उसके बारे में बहुत स्टडी की, पर उनकी स्ट्रैटेजी है ना वो समझ में नहीं आता। ये सभी चाइनीज ब्रांडों ने कम से कम देखा जाए तो बहुत कम समय में भारतीय लोगों के मन पर क्या किया है, राज किया है, और लोगों को क्या चाहिए, वो लोगों की क्या नीड है, भारतीय लोगों की, ये उनको क्या किया है, सही समय तक पहुंचाया है, और सच में यही बात है दोस्तों। अभी हमें क्यों कर रहे हैं, अब देखिए इसकी दूसरी अगर साइड देखे तो ये लोग क्या कर रहे हैं, चाइनीज ब्रांड क्या कर रहे हैं,
कैमरे के नाम पर भी आपको और हमको बेवकूफ बना रहे हैं। अगर आपको ये सच में आपको नहीं मालूम तो ये सच है बात दोस्तों, ठीक है ना। अब वन प्लस की अगर बात करते हैं तो वन प्लस ब्रांड के ऊपर भी लोग ले रहे हैं, खाली ब्रांड के ऊपर भी पैसा खर्च करके वो फोन परचेस कर रहे हैं, और सच में वो फोन वैल्यूएबल फोन है, सच में वो फोन जो है ना वो बहुत अच्छा वर्क करता है। अभी मैं तारीफ क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि वो सच में फोन लोगों के पास मैं देखता हूँ बहुत अभी लॉन्च हो रहे भी हैं, ठीक है ना। अब ये फोन बाहर से हम नहीं मंगवाते, हम यहाँ पे असेंबल करते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे फोन ये असेंबल कर रहे हैं इसलिए हमारे लोगों को इससे काम मिल रहा है, हमारे देश में अपना पैसा क्या रहा है यूज हो रहा है, हम अपना पैसा बाहर नहीं भेज रहे फोन के माध्यम से। हमारे फोन भले ही ब्रांड चाइनीज होगा तो अपने यहाँ पे बनाते हैं, पार्ट खाली हम वहां से इधर मंगवाते हैं और यहाँ पे असेंबल करते हैं, ठीक है ना। तो ये दोस्तों सभी एक ही कंपनियां, एक ही कंपनियां है, ठीक है ना, हर एक पैरेंटेबल कंपनी है बीबी के इलेक्ट्रॉनिक, इसके अंडर में ये सभी ब्रांड्स क्या कर रहे हैं, इन्वॉल्व है, और सभी अलग अलग ब्रांड्स के माध्यम से क्या हो रहे हैं, पैसा लोगों के क्या कर रहे हैं, अपने यहाँ जमा कर रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, ओप्पो हो गया, वीवो हो गया, रियलमी हो गया, और आज की डेट में वन प्लस, हर एक फोन का डिजाइन कम से कम 60-70% क्या होता है, सेम होता है दोस्तों, सेम होता है। मैंने यही बात देखी है। अभी मैं मोबाइल ब्रांड्स के बारे में क्यों बता रही है, सही है, क्योंकि वो लोग हमें क्या कर रहे हैं, इस माध्यम से भी बेवकूफ बना रहे हैं, ठीक है ना। ये दूसरी साइड में बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब कैमरे के माध्यम से भी बता रहे हैं, और ये उसकी जो फोन की जो बॉडी होती है, फोन का जो मॉडल होता है, सेम वैसा ही, रियलमी का भी देख लो, वन प्लस का भी देख लो, ओप्पो का भी देख लो, ठीक है ना। और क्या कर रहे हैं, ये सब सेम बना रहे हैं। अब पहले तो फोन में हेडफोन जैक आते थे, अब बहुत कम हो चुके हैं। अभी क्यों कम हो चुके हैं, कि बहुत सारे कंपनियों ने क्या किया है, ब्रांडेड कंपनियों ने क्या किया, जो वायरलेस ईयरबड लॉन्च किए हैं। अब ईयरबड लॉन्च किए हैं तो कंपनी का मोटो क्या रहेगा, कि वो ज्यादा से ज्यादा यूज कर सके, इसलिए फोन में वो क्या कर रहे हैं, 3.5 mm जैक नहीं दे रहे हैं, ठीक है ना। तो ये बात है, क्योंकि उनके ईयरबड वो लॉन्च करते ही लोग ले रहे हैं और यूज भी कर रहे हैं। ये उनका कंपनी का मोटो है, कि आप अभी तक हर एक फोन में 3.5 mm जैक आता था, ठीक है ना, अब वो भी कम होते होते नजर आ रहा है, ये बात है दोस्तों। तो ऐसे है कि आज ये ओप्पो वीवो सब एक ही कंपनी है, जैसे आज ऑटोमोबाइल सेक्टर में अगर देखा जाए तो हुंडई और किया मोटर्स भी एक हर एक दूसरे की पैरेंटल कंपनियां भी है, सेम वैसे ही आज ये ओप्पो वीवो रियलमी वन प्लस जो ब्रांड है, ठीक है ना, उनके मॉडल भले ही अलग अलग होंगे पर एक होते ही वो क्या कर रहे हैं, हमारे पास से पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। देखिए मैं इनके खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है ना, ये सच्चा है दोस्तों, ये सच्चा है, मैं आपको क्या कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब हमारी अगर इंडियन कंपनी की अगर बात कर रहे हैं तो देखिए दोस्तों, आज उनका मार्केट वैल्यू तो बहुत कम हो चुका है, ठीक है ना। मैं सच में अगर माइक्रोमैक्स की अगर बात करूँ तो माइक्रोमैक्स कभी कभी कहाँ पे गया वो ब्रांड, सच में है या खत्म हो गया, कार्बन हो गया, जोलो हो गया, ठीक है ना, सेलकॉन हो गया, आईबॉल हो गया। मैं देखना चाहूंगा कि अब ये इंडियन कंपनी क्यों फोकस क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो लोगों को अब आदत बन चुकी है कि चाइनीज ब्रांड, ठीक है ना। अब देखिए चाइनीज ब्रांड के अलावा अभी हमारे देश में अलग ब्रांड है, अच्छा एप्पल हो, ठीक है ना, सैमसंग हो, ये भी फोन बहुत अच्छे है, उनकी प्राइस रेंज भी बहुत अच्छी है और बहुत अच्छे फीचर्स देते हैं, ठीक है ना। अब इंडियन कंपनी बंद होने के पीछे राज क्या है, कि वो इंडियन कंपनी कम से कम प्राइस लेवल पर लोगों को जो फीचर्स देना चाहिए वो नहीं देते थे, ठीक है ना, बल्कि ये फीचर्स चाइनीज कंपनी है हमेशा दे रही है। इसलिए आज इंडियन ब्रांड्स की अगर बात करें, इंडियन ब्रांड्स की अगर मैं सच में बात करूं तो मार्केट में से बाहर हो चुके हैं इसी वजह से। मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर ये बात मेरी पहुंचती है उन कंपनी वालों तक, कि अगर आप अच्छा फोन लॉन्च कर रहे हो तो अच्छे अच्छे फीचर्स डालो, ठीक है ना, क्योंकि हम इंडियन लोग हैं, हमें अच्छे पैकेज में, अच्छे बजट में, कम बजट में अच्छा फोन मिल जाए तो हम बहुत ज्यादा सुखी और समाधानी होते, ये बात हमेशा देख रहे हैं हमें, क्योंकि ये हमारे भारत की जनता बहुत बहुत विचार करती है अपने हर एक पैसा खर्च करने पर, और ये जरूरी है दोस्तों, क्योंकि हम हर एक चीज पर विचार करते हैं कि पैसा हम सही जगह पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, सही जगह पर खर्च कर रहे हैं या नहीं, तो ये बात है दोस्तों। तो यही बात है कि आज इंडियन ब्रांड्स क्यों पीछे पड़ गया और चाइनीज ब्रांड हमारे भारत में क्यों बढ़ गया, आगे चला गया, यही बात है दोस्तों, ठीक है ना। तो दोस्तों आज
ये चाइनीज ब्रांड और इंडियन ब्रांड की अगर बात करें तो सच में ये चाइनीज ब्रांड सबसे अच्छे फोन लॉन्च तो कर रही है, पर फिलहाल लोगों के जेब से भी पैसा वसूल करती जा रही है, ठीक है ना। वो चाहे कैमरे के मामले में बेवकूफ बनाना हो, प्रोसेसर के मामले में तो नहीं कह सकता, पर कैमरे के मामले में हो गई, फोन के मॉडल के बारे में हो गया, वो सेम ही है दोस्तों, ठीक है ना। ज्यादातर तो सेम ही है, खाली ब्रांड के नाम पर आप पैसा क्या कर रहे हो, दे रहे हो, यही बात है दोस्तों, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा बिल्कुल बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है ना।